कोरोना की तीसरी लहर का सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली और मुंबई में देखा जा रहा है। ऐसे में देश के प्रमुख स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर समीरन पांडा ने अपने सहयोगी चैनल इंडिया टुडे पर एक खास इंटरव्यू में कहा कि ये पुष्टि करना अभी जल्दबाजी होगी क्या दिल्ली और मुंबई के मामलों की वजह से देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर अपने चरम पर पहुंच गई है। बता दें कि डॉक्टर समीरन पांडा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में महामारी विज्ञान विभाग के प्रमुख हैं। डॉक्टर समीर ने इंटरव्यू में कहा कि हम ये कहने से पहले 2 सप्ताह और इंतजार करने की जरूरत है कि दिल्ली और मुंबई में कोरोना संक्रमण अपने पीक पर है और सबसे बुरा वक्त खत्म हो गया है। हम कुछ दिनों में इस तरह की बातें नहीं कर सकते। हम इसे केवल संक्रमण के मामलों में गिरावट और पॉजिटिविटी रेट के आधार पर नहीं कह सकते। 11 मार्च के बाद कोरोना संक्रमण से राहत की उम्मीद है। डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा है कि 2 प्रमुख महानगरीय शहर में कोविड-19 के ओमिक्रॉन और डेल्टा मामलों का अनुपात क्रमशः लगभग 80% और 20% है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि भारत के अलग अलग राज्य इस समय महामारी के विभिन्न चरणों में हैं। डॉक्टर समीरन पांडा के अनुसार भारत में 11 मार्च के बाद कोरोना के मामले स्थानीय स्तर पर पहुँच सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों को पूरी करने की जरूरत होगी। यहाँ स्थानीय स्तर का मतलब ये हुआ है कि संक्रमण अपेक्षाकृत कम प्रसार वाली आबादी या क्षेत्र में लगातार मौजूद रहता है। ये महामारी से अलग स्थिति होती है। डॉक्टर समीरन पांडा के अनुसार यदि कोरोना का कोई नया वेरिएंट इसके बाद सामने न आए तो 11 मार्च के बाद से कोरोना सिर्फ स्थानीय स्तर पर रह सकता है। डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा है कि गणितीय अनुमानों से पता चला है कि ओमिक्रॉन वायरस संकट भारत में 11 दिसंबर से शुरू होकर 3 महीने तक बना रहेगा। उन्होंने कहा कि 11 मार्च के बाद हमें कुछ राहत मिलेगी। कोरोना वायरस कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।